नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल डिस्टिलेशन के प्रोसेस को आपके घर में पाए जाने वाले सिंपल प्रेशर कुकर के साथ रिसेंबल करके दिखाने वाला हूं, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसे आपने लैब में जरूर परफॉर्म किया होगा। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस विद डिस्टिलेशन असेंबली, यहां पे हमने एक हीटिंग मेंटल में फ्लास्क लिया हुआ है और इस फ्लास्क से निकलने वाले वेपर को एक कंडेंसर की मदद से ट्रांसफर कर रहे हैं। इस कंडेंसर में एक तरफ ठंडा पानी का इनलेट है और वो ठंडा पानी आपके वेपर को कंडेंस करके पानी में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज डिस्टिल वाटर, जिसे आप यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप आते हुए देख सकते हैं, जबकि दूसरा सिरा इसके एग्जिट के पॉइंट से निकल रहा है। अगर मैं इसी चीज को आपको दिखाना चाहूं तो चलिए अब हम घर के एकदम कॉमन से इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्रेशर कुकर, इसको यूज करते हुए आज के प्रोसीजर को समझे कि स्टीम डिस्टिलेशन होता क्या है या सिंपल डिस्टिलेशन होता क्या है। अभी मैं आपको एक फेज में दिखाने वाला हूं किन किन चीज की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे आप डेली कभी न कभी यूज करते ही होंगे। यह है हमारा प्रेशर कुकर। इस प्रेशर कुकर में ये जो बिसिल है वो अंदर के वेपर को रोक करके रखने का काम करता है। जब कभी प्रेशर इसके अंदर ज्यादा होता है तो ये अब जाकर के प्रेशर को रिलीज करता है। सो अगर मैं इसको रिलीज ना होने दूं तो अंदर पूरा स्टीम वेपर भरा हुआ रहेगा, और जब इस वेपर को मैं आने वाले समय में जब इसको बॉईल करके रखूंगा, एक सिंपल से प्लास्टिक के पाइप के थ्रू कनेक्ट करूंगा इसमें से लेकर के इधर, तो ये एक पाइप का काम करेगा। अब दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बॉल मेरे पास है, एक बॉल में मैंने आइस क्यूब्स रखे हुए हैं और दूसरा बॉल मेरा एम्प्टी है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो जब मैं कभी भी आने वाले समय में इस एम्प्टी बॉल को इसके ऊपर रखूंगा तो ये नीचे पूरा ठंडा हो जाएगा, और जब इस स्टीम को इसमें ट्रांसफर करूंगा तो वो स्टीम इसके ठंडा के कारण से कंडेंस हो जाएगा और स्टीम कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, एंड दैट प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टीम इनटू वाटर इट इज सिंपली नोन एज अ डिस्टिलेशन। तो चलिए दो मिनट का समय लेता हूं और इस प्रेशर कुकर को मैं थोड़ा सा गर्म करके आता हूं ताकि इसके अंदर वेपर बन सके और आपको मैं दिखा सकूं कि वेपर को ट्रांसफर करने के बाद कैसे ये जो स्टीम है वो आइस के कॉन्टेक्ट में आने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा समय दें, इसको मैं गर्म करके आता हूं। अब मैंने इस प्रेशर कुकर को गर्म करके रखा हुआ है और इसके अंदर वेपर की आवाज आपको हल्की हल्की आ रही होगी। थोड़ी देर बाद आप इसकी आवाज के कारण से मेरी कमेंट्री नहीं सुन पाएंगे, इसलिए मैं आपको पहले से बता दूं कि अब ये जो खाली बॉल मेरे पास है इसे मैं आइस क्यूब के बॉल में ट्रांसफर करता हूं ताकि ये ठंडा हो सके, और जब मैं इसे सडनली रिमूव करूंगा इस कुकर की बिसेस को और इस पाइप की मदद से जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था वेपर को इसमें ट्रांसफर करूंगा, तो ये आपका वेपर नीचे रखे आइस के कॉन्टेक्ट में आते ही ठंडा होना शुरू करेगा और ये वेपर वाटर में यानी डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आवाज आपको थोड़ी डिस्टर्ब करेगी, तो ये ध्यान से देखिएगा, ये देखिए कैसे वेपर में ट्रांसफर कर रहा हूं, और जैसे ही वेपर आइस के कांटेक्ट में आ रहा है ये पूरा आइस इसको ठंडा कर रहा है, कंडेंस कर रहा है, और ये जो वेपर है वो सडनली वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये एक डेमो प्रोसेस है, अगर ये कंटिन्यू चलता रहे तो बहुत सारे स्टीम को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर मैं कुछ चीजें आपको और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पे हमने खाली एक बॉल दिखाया था, अब ये जो वेपर यहां से निकला वो वेपर वाटर में कन्वर्ट हुआ और ये वाटर आप देख सकते हैं। इस वाटर के बनने में मदद करने के लिए ये जो आइस वाटर था वो बहुत ही मदद किया, क्योंकि इसने वेपर को कंडेंस किया, गर्म वेपर को ठंडा करने का काम किया और ये जो वाटर बना वो डिस्टिल वाटर बना, जैसा कि आपने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में एक रियल एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था। ये था हमारा सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस। आज के इस प्रैक्टिकल से हमको ये चीज समझ में आती है कि हमारे घर में ऐसे कई चीजें रखी हुई हैं जिसका यूज हम किसी दूसरे पर्पस के लिए करते हैं। इस प्रेशर कुकर का यूज तो आप खाना बनाने के लिए करते ही हैं, लेकिन मैंने आपको समझाया इसी के सहायता से कैसे हम ऑटोक्लेव को समझ सकते हैं और कैसे हम सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस को करके देख सकते हैं। इसका यूज और भी कई जगह होगा जो आपके फार्मेसी के डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, माइक्रोबायोलॉजी, कई चीजों में आपको सपोर्ट करेगा। हमेशा छोटी छोटी चीजों को देखने की कोशिश करिए, उनको अपनी पढ़ाई से रिलेट करने की कोशिश करिए, ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझ पाएंगे और कभी भी आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तो हमारा कॉन्सेप्ट है, करें, देखें और सीखें, रट्टा कभी नहीं मारें। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।